એકદમ જ ત્રિમંદન, બહુ જ સરસ. કેટલા રેટિંગ આપશો? હું 10 માંથી 10 આપીશ. તમારો રેટિંગ આપશો? હું 8% આપી શકું રેટિંગ આમાં. 10 માંથી 8 આપી શકું છું. કારણ કે આપણી જનરેશનના આ વસ્તુનો ખ્યાલ બી નથી કે શું થયું હતું એ ટાઈમે, બરાબર છે? તો આ જનરેશનને જાણવા માટે આ પિક્ચર બનાવ્યું છે, બહુ સારું એવું પિક્ચર છે, જોઈ શકાય. એ દેખો મૂવી કે લીધી, અમને ફાઇનલી એન્ટ્રી લઈ લીધા હે. અભી હમ મૂવી કી ઓર જા રહે હે. इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले कल रिलीज़ हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स. हाँ, और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. द कश्मीर फाइल्स में जो इंडिया के भयानक चैप्टर के बारे में है जो 1990 में हुआ था, उस साल कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से भगा दिया था. कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स ने कश्मीरी पंडित को कहा कि कन्वर्ट हो जाओ या भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए मौत है. तो बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत सी औरतों का और लड़कियों का रेप किया गया था. बाकी सारे कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार प्रॉपर्टी सब छोड़कर भागना पड़ा, वो भी अपनी ज़मीन से. और ताज्जुब की बात यह है कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदद की थी. यहाँ तक भी मीडिया ने भी ये भयानक हादसे को, जिसे हम जेलोसाई कहते हैं, इस भयानक हादसे को रिपोर्ट अच्छी तरह से नहीं किया गया था. दुनिया में लाखों करोड़ों लोग को ये पता ही नहीं है कि भयानक हादसा क्या था और असलियत में क्या हुआ था. अब हम बात करते हैं फिल्म के बारे में. विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म की कहानी लिखी है. कहानी एक ह्यूमन ड्रामा है, कहानी में इनहेरेंट पावर है, इट्स अ वेरी पॉइंटेड स्टोरी. लेकिन विवर रंजन अग्निहोत्री का स्क्रीन प्ले वीक और एडिशनल स्क्रीन प्ले बाई सौरभ पांडे ने नॉट एज गुड. फिल्म का स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है, बट इससे भी अच्छा कर सकते थे. इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी बेस्ड ऑन कश्मीरी पंडित. इस फिल्म में बहुत सारे फ्लैशबैक है, कभी कभी फ्लैशबैक के अंदर ही फ्लैशबैक है जिसे ऑडियंस कन्फ्यूज हो जाती है. अगर कन्फ्यूज भी ना होती है तो उनके सरल अंडरस्टैंडिंग के बीच में ये पॉइंट ज़रूर आता है. ये फिल्म सेंटिमेंटल ह्यूमन ड्रामा है, लेकिन स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है जितना ऑडियंस को रुलाना था और दिल भर आना था. ये था उतना ही नहीं होता, कई जगह पर ऑडियंस को ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्ले का कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है. और इससे बेहतर कंस्ट्रक्शन होता तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता. फॉर इंटेंस कृष्णा पंडित यानी दर्शन कुमार है, जो वो कॉलेज के कैंपस में एक स्पीच देते हैं. उसके बाद मास मर्डर दिखाया जाता है. अगर उससे पहले मास मर्डर ऑडियंस को दिखा देते तो उस स्पीच का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, खासकर इसलिए कि मास मर्डर बहुत साल पहले हो चुके थे. शायद राइटर ने यह सोचा होगा कि क्लाइमैक्स में एक एक्शन सीन होना ज़रूरी है और ऐसा सीक्वेंस होना ज़रूरी है कि ऑडियंस हिल जाए, और ऑडियंस भी हिल भी जाती है. लेकिन वो स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, उस स्पीच का इम्पैक्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है. ये जो ऑपरेशन पूरा कश्मीरी पंडित के खिलाफ हुआ, उनकी ज़मीन पर वो कोस्टर्ड तरीके से बताया गया है. कम से कम 15-20 मिनट कम्युनिटी बताते हैं जिससे फिल्म में इम्पैक्ट ज़्यादा देता है. ये बात सारे कश्मीरी पंडित की, जिसमें अनुपम खेर ने जो पुष्करनाथ पंडित का रोल निभाया है, ये जो पुष्करनाथ और उनके फैमिली के बारे में बताया गया है, पुनीत इस्सर के DGP शिवनाथ के रोल में है, और जर्नलिस्ट विष्णुराम जिसका रोल बहुत ही अतुल श्रीवास्तव की भूमिका निभाई गई है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया उसे कश्मीरी पंडित के लिए खड़े नहीं होते और ये हाईलाइट होके आता नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रीन प्ले में खामियाँ ही खामियाँ है, प्लस पॉइंट नहीं है, और ऑफकोर्स प्लस पॉइंट भी है.
जैसे कि पुष्करनाथ पंडित के बेटे की हत्या, ये जो हत्या होती है जो उस पूरी फैमिली के साथ झंझोड़ के रख देता है। अगर डायलॉग की बात करें तो उसमें भी बहुत ही इम्पेक्ट नहीं डालता। अब हम बात करेंगे फिल्म के कैरेक्टर की। अनुपम खेर जो पुष्करनाथ पंडित का रोल निभा रहे उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरा मिथुन चक्रवर्ती जी ने जो ईश्वर दत्त की भूमिका निभाई है वो काम भी अच्छा है। दर्शन कुमार जो कृष्णा पंडित बने हैं ही हैज़ अ फाइन जॉब। पल्लवी जोशी जो राधिका मेनन बनी है सी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्या काम किया उसने भी। फारूक अहमद जो बिट्टा का रोल निभाया वो अच्छा है। पुनीत इस्सर जो DGP शिवनाथ की भूमिका निभाई गई है। प्रकाश बेलावड़िया एज अ डॉक्टर महेश कुमार का अच्छा रोल निभाया है। ये थी एक्टर के बारे में बात। अब बात करते हैं डायरेक्शन और टेक्निकल टीम की। विवेक रंजन अग्निहोत्री का निर्देशन फेयरली गुड है। लिरिक्स नॉट इजी फॉर लिप्स। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय रोहित शर्मा इज़ क्वाइट नाइस। ये मूवी अच्छी है, मल्टीप्लेक्स में अच्छा बिजनेस करेगी। तो ये थी फिल्म के बारे में पूरी बात। तो मेरी ओर से फिल्म को 10 में से 9 रेटिंग मिलते हैं। और आप ये मूवी थिएटर में देख के बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।